तो ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं बैठ करके अपने फ़ोन में रिसर्च कर रहा था कि मैं GTA 5 को यार कैसे अपने फ़ोन के अंदर चला सकता हूँ जो कि रियल GTA 5 होना चाहिए, और ना ही सिर्फ GTA 5 बल्कि PC के जितने भी गेम्स हैं उनको हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कैसे खेल सकते हैं। वो रिसर्च करने के बाद में मैं फाइनली एक कंक्लूजन पे आया और मैंने एक एप्लीकेशन को फाइंड आउट किया। वो एप्लीकेशन क्या थी वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गाइस, इस सॉफ्टवेयर का नाम है चिकी एम्यूलेटर। जी हाँ गाइस, चिकी एम्यूलेटर के अंदर आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 को, और इस वाले एम्यूलेटर के अंदर आपको ना ही GTA 5 देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप खेल सकते हो GTA Online और भी बहुत सारे ऐसे PC गेम्स जो आप खेलना चाहते थे पहले, अब आप इस एम्यूलेटर पर खेल सकते हो। ये एम्यूलेटर बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, ऑल्दो वो वीडियो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करी थी, बट क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे GTA 5 को फ़ोन में कैसे खेलें, तो यार ये वीडियो मैंने बना दी है उन लोगों के लिए स्पेशली। और मुझे ये भी लगता है कि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जाने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको गेम दिखाया है दैट विल बी ब्लो अप योर माइंड, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा जो है आपको प्रोसेस दिखाया है कि आप किस तरीके से गेम को खेलोगे, किस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स की वजह से आप गेम खेल पाओगे, तो पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गो ऑन टू द गेम प्ले। तो यार आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको रोजाना पॉइंट्स मिला करते हैं, यहाँ पे आप एड्स देख करके भी पॉइंट्स को गेन कर सकती हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पे कितने पॉइंट्स है। मेरे पे अभी 90 कॉइन्स है और इन 90 कॉइन्स से देखते हैं मैं कितना खेल पाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे GTA 5 को यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी GTA 5 आ गया है। GTA 5 OLB है, मतलब GTA 5 ऑनलाइन भी आप खेल सकते हो। और तो चलो देखते हैं यार हम क्या कौन सा गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम मैं सीधा यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये बोल रहा है GTA 5 खेल सकते हो। GTA Online के लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट यार GTA 5 Plus भी आप खेल सकते हो, एक्सक्लूसिव यहाँ पे है। यहाँ पे 2 मिनट्स में आपको एक पॉइंट देना है, तो देखते हैं हम प्लस वाले को खेल करके। इसमें ये मांग रहा है $1, ठीक है यार तो हम ये वाला नहीं खेलेंगे। मैं गरीब हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल से प्ले के बटन पे क्लिक करूंगा। प्ले के बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये बोलेगा मुझे रिचार्ज करो, पेड यूजर्स कैन क्यू डायरेक्टली एंड नॉन पेइंग यूजर्स नीड टू अचीवमेंट टू क्विक द 24 आवर क्विविंग राइट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे जो है अपने को हमको क्यू में लगना पड़ेगा, हम रिचार्ज कर सकते हैं, ऑल्दो हमारे पास पॉइंट्स है तो हमें रिचार्ज करने को क्यों मांग रहा है। हम सीधा प्ले के बटन पे अगेन क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे GTA 5 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है यार या तो एड देखो या फिर यहाँ पे रिचार्ज करो, पेड यूजर्स कैन डायरेक्टली क्यूइंग। ओके, तो आपको क्यू में लगने के लिए आपको एक यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट देखना होगा, तो हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं यार क्या जा रहा है एडवर्टाइजमेंट देखने में। जस्ट एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट चलेगी आपके सामने, और ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 20 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट होगी, तो 20 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जैसे ही हो जाता है हम इसको यहाँ पे कट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एड चलेगा ओलंपिक का ही, ओलंपिक ट्रेड का जो है यहाँ पे एक और चल रहा है, तो कोई इशू नहीं इसको भी चलने देते हैं। यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे कट करेंगे एंड 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 ये कुछ करने को बोल रहा है, हमें नहीं खेलना है, हमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम अभी GTA 5 खेलना चाहते हैं। यहाँ पे नेटवर्क डिटेक्शन का आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे उससे पहले देख सकते हो कि मेरा जो पिंग है बहुत अच्छा आ रहा है और गुड गेमिंग एनवायरमेंट हम अच्छे से यहाँ पे गेन कर सकते हैं, जो कि मेरा वाईफाई बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करते ही ये मुझे बोलेगा कि आप जो है यहाँ पे क्यू में लग चुके हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर मैं यहाँ पे करूँगा इन द क्यू, मैं क्यू के अंदर ही हूँ ऑलरेडी, बट यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा सो दैट ताकि मुझे जो है अभी चाहूँ तो यहाँ पे मैं रिचार्ज भी करा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार, तो हम क्यू में लगना पसंद करेंगे। और देखते हैं कि हमें और कितना वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे अभी 19 मिनट शो कर रहा है, पीपल यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हैं, 73 यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड अभी भी हम क्यू में ही हैं, लेकिन हमारी बारी आने वाली है, बहुत जल्दी हमारी बारी आने वाली है, हमें जस्ट यहाँ पे वेट करना है 17 मिनट, और 17 मिनट भी यहाँ पे देखो बहुत कम होता जा रहा है टाइम भी।
जाएगी। तो विद इन आप कह सकते हो कि विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको जो है क्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन 15 मिनट हो गया। तो हमें वेट करना है कि हमारी जो क्यू का टाइम है वो कब होता है। ये क्या बोल रहा है, लेट्स प्ले व्हेन यू कैन गेट अप टू 9999 कॉइंस। एंड नहीं, अभी नहीं, अभी हमें जस्ट गेम खेलना है और उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हो हम क्यू में लगे हुए हैं और अभी ये 15 मिनट ही शो कर रहा है। देखते हैं हमें कितने टाइम में यहाँ पे जो है मैचिंग मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है यहाँ पे लेस देन 1 मिनट और हमें यहाँ पे गाइज थोड़ा सा और वेट करना है। बस ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पे ओनली 1 मिनट बचा है और यहाँ पे बहुत कम टाइम में विद इन 5 मिनट हमको मैचिंग मिल गई। कभी कभार आपको जल्दी भी मिल जाती है और कभी कभार आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली बात है, फ्री है तो टाइम लगेगा। लाइन अप, सक्सेस, एंटर द गेम। ओहो, एंटर 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 एंटर। एंड गाइज यहाँ पे एक और लास्ट एड चलेगा, इस एड को भी देख लेंगे यार क्या जा रहा है हमारा। जैसे ही कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा विद इन टाइम। यहाँ पे एक और बार ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल का। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पिंग आ रही है 73 और यहाँ पे हमारा गेम चालू हो चुका है। वाओ, दैट इज अमेजिंग गाइज। आप देख सकते हो हमारे सामने गेम रियल GTA 5 ऑनलाइन आ चुका है। ऑनलाइन नहीं, गेम तो ऑफलाइन चलेगा लेकिन ऑनलाइन का यहाँ पे हमें इंटरफेस देखने के लिए मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, लेकिन मुझे बटन्स नहीं पता यार कैसे खेलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ओके ए से, ओके स्टोरी मोड का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे रैंडम बटन दबाने का ट्राई करता हूँ। मे भी हमारा जो स्टोरी मोड है वो अनेबल हो जाए। कंट्रोल वैसे बहुत स्मूथ लग रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, ओके क्विट का ऑप्शन आ गया है, ओके यहाँ से स्टोरी मोड का आ गया, ठीक है। ए से क्लिक करके मैं स्टोरी मोड पे एंटर करूँगा। एंड वाओ गाइस, स्टोरी मोड पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टोरी मोड पे यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर देता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे अभी लोड हो ही रहा है, अभी हम देखते हैं कि हमारा कितना टाइम ये लेता है। अभी 129 हो रही है तो देखते हैं कितने मिनट में लोड हो जाता है। ओके गाइस, तो 129, ओके तो विद इन 1 मिनट हमारा जो लोडिंग स्क्रीन है यानी कि हमारे जो स्टोरी मोड का लोडिंग स्क्रीन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारा गेम लोड हो चुका है। भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल हाईएस्ट ग्राफिक्स के साथ में हमारी स्टोरी चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ए का बटन दबा करके मैंने इसको स्किप कर दिया। ये कंट्रोल्स को आप समझ लीजिएगा गाइस। यहाँ पे मेरा गेम चालू हो चुका है एंड मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग गाइज। लिटरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है गेम। और मैं यहाँ पे ना एक बार हमें, ओके मिशन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे कार में बैठेंगे। और कार में बैठने के लिए यार कौन सा बटन दबाते हैं, शायद से ये वाई वाला बटन से कार में बैठेंगे। ओके हम कार में बैठ चुके हैं गाइस, बिल्कुल फेंक नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है मैं अपने फ़ोन के अंदर खेल रहा हूँ, आप देख सकते हो, आपको दिखे या ना दिखे लेकिन ये आपको अपने मेरे फ़ोन के अंदर दिख रहा होगा। ये आई डोंट नो कि ये ब्लर क्यों हो रहा है मेरे कैमरे से। तो चलो गाइस चलते हैं फिर, गाड़ी को चलाते हैं यार। और भाई कार चलाते कैसे लेकिन, ओके 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 RT से। अरे अरे हमको निकाल दिया भाई। हेलो भाई, हम मिशन कर रहे हैं, इसको मारते कैसे, इसको मारते कैसे। अरे नहीं, मैं तो बैठ गया गाड़ी में मारने की जगह। भाई लिटरली मैं उनको मिशन फेल करवा देगा। अरे मिशन फेल नहीं होना यार, इसको मारूँ कैसे मैं। ओके 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 बी से हम इसको मार सकते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलो तो बी से इसको जितना हो सकता है उतना तो मारते हैं। यार हम मिशन फेल हो गए, शिट, मुझे पता था मिशन फेल होना था अपन को, क्योंकि कंट्रोल्स को हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट हम कंट्रोल्स को भी समझ जाएंगे, दैट इज़ नॉट बिग डील। वाह, ये म्यूज़िक चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में यार। ओके कोई इशू नहीं, लेकिन हम एक बार ही तो हम कार चला पा रहे हैं अपनी। ये थोड़ा सा मुझे लैग होते हुए दिख रहा है, आई थिंक मुझे अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। बट या मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइज हमारा जो गेम है वो एटलीस्ट चल गया है और अभी हमारा गेम के जो ग्राफिक्स है वो तो एक्चुअल में बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि रियल GTA 5 जो आप खेल रहे हो अपने फ़ोन के अंदर। ओके ये गाने बहुत चल रहे हैं यार, ये गाने मुझे बंद करने पड़ेंगे। नहीं, गाने के चक्कर में मेरे को एक्सीडेंट नहीं कराना। चलो RT से हम गाड़ी को आगे ड्राइव कर सकते हैं और ओके देन LT से हम अपनी कार को पीछे कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि यार ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो लिटरली में कि ये वाला जो ऐप है लिटरली में आपको एक अच्छा रियलिस्टिक GTA 5 का एक्सपीरियंस दे सकता है, आप जाओ गाइज डाउनलोड करो इसे एंड इन्जॉय। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड बाय।
बाय गाइस।